कोई सीरियस प्रॉब्लम आया है? नहीं, मुझे तो कोई किसी किस्म का संजीदा मसला नजर नहीं। आर यू रेडी टू फेस एनी इंक्वायरी? देखिए, मैं रेडी हूँ या ना हूँ, अगर कानून ने कोई इंक्वायरी करनी होगी वो आपके खिलाफ हो तो आपको भी उसका सामना करना पड़ेगा। ये कैसे, ये वक्त बड़ा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये कैसे अचानक आया? ये तो पहले भी दिन थे। मैं फिर आपको अर्ज कर रहा हूँ कि बार बार के ये चाय की प्याली में तूफान जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। आपके खुद भी अपने अंडरस्टैंडिंग के हवाले से ये बात कि फॉर्म 47 का अगर बताया बेहुदा बात, ये वो सालगिरह के एक सवाल सर, व्हाट इज द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द एस्टैब्लिशमेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ लेड गवर्नमेंट? सिंस ये जो आपके ये जो स्कैंडल की बातें हो रही है, इससे ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई क्रैक्स पैदा हो गए? मैं अपने बात पे तो कंट्रोल रखता हूँ, लेकिन मीडिया के टिकट्स पे मेरा कंट्रोल है। मैं बाजार अपने मुताबिक टिकट्स खुद देख के हैरान रह जाता हूँ कि बात मैंने कहाँ की, फिर मुझे जो है ना उसको रिकनसाइल करना पड़ता है, उसके लिए एक और इंटरव्यू देना पड़ता है। मैंने जो बात की थी, मैंने ये कहा था कि पोस्ट 18th अमेंडमेंट, उससे कबल वफात जो है ना वो गंदम के हसूल और उसकी असेसमेंट करता था और पूरे मुल्क की जिम्मेदारी उसने ली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट देखता है, फूड डिपार्टमेंट। पोस्ट 18th अमेंडमेंट में कितनी आपकी प्रोडक्शन है, पंजाब कितना प्रोड्यूस कर रहा है, टन पाकिस्तान की पैदावार है, पाकिस्तान अपनी खपत से 3, 3.5, 4 औसतन मिलियन मेट्रिक टन कम पैदावार करता है। ये जो कम पैदावार होती है इसको एड्रेस करने के लिए दो तरीके। नहीं, मुझे तो कोई किसी किस्म का संजीदा मसला नजर नहीं। आर यू रेडी टू फेस एनी इंक्वायरी? देखिए, मैं रेडी हूँ या ना हूँ, अगर कानून ने कोई इंक्वायरी करनी होगी वो आपके खिलाफ हो तो आपको भी उसका सामना करना पड़ेगा। ये कैसे, ये वक्त बड़ा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये कैसे अचानक आया? ये तो पहले भी दिन थे। मैं फिर आपको अर्ज कर रहा हूँ कि बार बार के ये चाय की प्याली में तूफान जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। आपके खुद भी अपने अंडरस्टैंडिंग के हवाले से ये बात कि फॉर्म 47 का अगर बताया बेहुदा बात, ये वो सालगिरह के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट से, ग्लोबल मार्केट से और सब्सिडाइज्ड रेट्स पे लोगों को दे ताकि एक मार्केट स्टेबल रहे। या दूसरा तरीका ये है कि प्राइवेट सेक्टर को इसमें इन्वॉल्व करें और वो इसको एड्रेस करें। तीसरा जो सबसे अहम नुकता है, जो बदकिस्मती से इस वक्त भी इतने बड़े क्राइसिस, सेल्फ क्रिएटेड क्राइसिस के बाद जो कोई भी इस पे बहस नहीं कर रहा कि जो हमारा R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसमें अगर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट हो तो ये 4 मिलियन का टन का गैप और या शायद उससे जायद वो कैसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई इस पे बहस नहीं कर रहा। ठीक है, ये सेहतमंद बहस का रुझान हमारे यहाँ कम है। अब चूंकि हमारे दौर में जो फैसला हुआ था वो मैं एज अ फूड इंचार्ज मिनिस्टर, मैं उसकी ओनरशिप ले रहा हूँ। जो दूसरे साहब जो हमारे साथ वजारत में आए थे वो काफी बाद में हमारी काबिना में शामिल हुए। इस ECC का जो डिसीजन हुआ था, आई वॉज मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। जो एस्टिमेट उस वक्त सूबों से आई थी उसकी बुनियाद पे PDM की हुकूमत थी, उसने उस डाटा को एक्सेप्ट करके ECC में एक समरी जनरेट की। वो डाटा हमारे निगरान हुकूमत के पास आया, ये मैंने कहा, और उसकी बुनियाद पे हमने एक डिसीजन लिया और वो डिसीजन ये लिया कि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट नहीं करेगी। हमने आम आदमियों के जो गैप था जो उसके लिए प्रोवाइड करना था, अगर हम प्रोक्योरमेंट ना करते गैप ने तो वहीं रहना था, वो तो नहीं खत्म हुआ था, वो हमने फैसिलिटेशन दी। लोग कहते हैं कि जी ये कह रहे हैं हमारा क्या लेना देना, बड़े बड़े एंकर्स हैं वो 8 बजे बैठ के जो है ना तंज भी करते हैं हम पे, हमारा लेना देना नहीं भाई। इस मुल्क में इम्पोर्ट जो है ना, इम्पोर्ट पॉलिसी ऑर्डर SRO का आमद की इजाज़त है, अब बरामद की इजाज़त है, इसके लिए नोटिफिकेशन होता है, कानून जारी होता है, उस पर कितनी टैक्सेशन होनी है नहीं होनी है। ये गुना अगर गुना है तो ये 2019 में PTI की हुकूमत में वो SRO जारी हुआ था, और अब तक जो आप और मैं ये बहस कर रहे हैं वही कानून मौजूद है। हमने इजाफी कानून, एक मिनट
सवाल ये चुके हैं, हमने कोई इजाफी कानून, इजाफी इजाजतनामा, एडिशनल परमिशन नहीं दी प्राइवेट सेक्टर को कि उसके साथ मिलके 85 अरब, 200 अरब, 300 अरब। इसीलिए फिर हमें भी थोड़ा सा मतलब हम भी जज्बाती हो जाते हैं कि इंस्पेक्टर जमशेद की कहानियां ना बने। ये कोई खुदा ना खास्ता कोई कोकेन इंपोर्ट हुई थी जो 6 महीने के अंदर उसमें 85 अरब रुपए की कमीशन खा रहे। इस कमोडिटी का जो प्राइस रेंज है, प्रॉफिट रेंज है, कोई उस पर नकल के लिए भी अकल की जरूरत होगी। एक तरफ हमारे ऊपर दाग लगाना शुरू कर दिया, दूसरी तरफ जो एक प्योर कानूनी चीज थी उसको गैर कानूनी बनाने की शक्ल देने की कोशिश की गई। तीसरी जो सबसे बड़ी बदकिस्मती है, जो सेहतमंद बहस हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के मुतालिक, ईयर्स के मुतालिक, हार्वेस्ट के मुतालिक होनी चाहिए थी, उसको कत्ल कर दिया गया, किल कर दिया गया। और सिर्फ एक विच हंट और मीडिया कंपेन जो है ना वो बदकिस्मती से चल रही है। कोई सेहतमंद बहस इस मौजू के इर्द-गिर्द करना नहीं चाह रहा। ये हमारा अलमिया और ये हमारा एक सवाल।